press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम देख रहे थे आपका पूरक पाठ पुस्तक का अध्याय भारत की खोज, यानी उसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो सारे विश्व का भ्रमण करते हुए किस तरह से वो जेल गए, कितनी बार उनकी जेल की यात्रा थी और वहाँ उन्होंने क्या कुछ किया। फिर उन्होंने वहाँ पर कुदाली छोड़कर कलम थमा लिया ये देखने के लिए कि भारत में जो कुछ भी बीता हुआ है अतीत में, वो सब कुछ उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारे के सारे संसार में क्या है, सारे के सारे देश में उन्होंने भ्रमण करते हुए एक एक स्थान से वो भारत की खोज करने के लिए निकले हैं। ये कितना सारा संघर्ष सबने मिलकर किया ये देखने के लिए। तो अहमदनगर का किला से वहाँ पर अतीत का भार हमने देखा, अतीत का दबाव किस तरह से पड़ा। फिर तलाश में निकले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि भारत के अतीत की झांकी में देखा। फिर भारत की शक्ति और सीमा के बारे में उन्होंने जाना। फिर उन्होंने भारत की तलाश में निकले ये देखने के लिए कि संघर्ष के लिए कौन सही व्यक्ति हैं ये जानने के लिए। तो उन्होंने ग्रामीण स्थानों की ओर उन्होंने प्रवेश किया। तो वहाँ पर जाकर किसानों के बीच उन्होंने तलाश किया कि भारत माता का अर्थ क्या है, ये उन लोगों को समझाते हुए उन्हें एहसास दिलाया। फिर भारत माता क्या है, वे स्वयं हैं करके। फिर भारत में किस तरह से विविधता में एकता है ये जानते हुए फिर जन संस्कृति की ओर देखे हैं हमने। अभी देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार हैं, यानी कि अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े हो, सोशल स्टडीज़ में, ये सब मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में जाने हो, इस उसी का ये हिंदी अनुवाद है। भारत की खोज, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये डिसिप्लिन जो है, ये सभ्यता संस्कृति जो है वो युगों युगों से आई हुई है। तो नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि भारत के अतीत की, यानी जब से कई वर्षों से जो संघर्ष चलता रहा उसे कई वर्षों पहले की, यानी अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। यानी कि ये सारे की सब सारी तलाश करने जब निकले हैं नेहरू जी, तो हमें क्या बताते हैं कि इन सब की भारत के अतीत जो कि बहुत पिछले वर्षों से था, उसकी तस्वीर हमें सही सलामत किस में मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसके अवशेष यानी जिसकी चीज़ें खोज करने से आज भी कई सारी चीज़ें खुदाई से निकलती हैं। तो ऐसी चीज़ें सिंध में मोहनजोदड़ो जो कहते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु की मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आप बखूबी पढ़े होंगे और आप वो सारे स्थान भी देखे होंगे कि किस तरह से वहाँ पर अवशेष टूटे फूटे खंडहर अभी बचे हुए हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है, यानी जैसे कि आधुनिक समय में जब खुदाई करते समय, एक्सकवेशंस करते समय, उस समय की जो भी चीज़ें मिल रही हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें, उन सबसे इतिहास की समझ, इतिहास में क्या आ गया है, बहुत सारा बदलाव आ गया है, क्रांति ला दी है, यानी कि परिवर्तन आ गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं, यानी कि इनके ये स्थान बिल्कुल समीप या पास में नहीं है, बल्कि कई गुना दूरी पर हैं इनके स्थान। दोनों स्थानों पर क्या है, इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। दोनों स्थानों में जब खोज करने निकले हैं तो इन दोनों स्थानों पर इन्हीं खंडहर जो कहते हैं, जहाँ पर टूटे फूटे मॉन्यूमेंट जो हैं टूटे फूटे से हैं, उनकी खोज मात्र क्या है, एक इत्तेफाक की बात थी। वो इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े हैं, यानी कि इन दोनों स्थानों में खुदाई करके देख रहे हैं तो उस समय की चीज़ें टूटी फूटी जो हैं, जो ज़मीन में दबी हुई हैं, वो सारी किसी सारी चीज़ें क्या है भी खोज करके, तलाश करके उनको बाहर निकाली जा रही हैं।
तो ऐसे बहुत सारे और नगर भी होंगे जहाँ पर एवं ऐसे अवशेष ऐसी चीज़ें भी पड़ी होंगी जो दबे हुए हैं, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यानी अभी आधुनिक समय के भारत को देखकर उस प्राचीन युग को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि उस समय के लोग जो थे, मनुष्य जो भी चीज़ें इस तरह की बसाई थी, वो अब हम एक ही करके क्या है उस खुदाई से प्रतीत हो रही हैं। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। तो हो सकता है ऐसे ही हम खुदाई करते रहें एक एक करके अभी आधुनिक काल में, तो क्या है संभव है, संभावना हो सकती है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम, यानी कि कई वर्षों पहले की ये बात जो घटी थी, अभी हम देखेंगे तो इस तरह से अतीत में जो भी चीज़ें दबी हुई है इस तरह से हम खुदाई करके निकालते जाएंगे तो क्या होगा, और भी महत्वपूर्ण नई खोजों की हम तलाश कर सकते हैं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में, यानी कि अवशेष जो भी चीज़ें जो उस समय की मिल रही हैं वो क्या है दूर दूर जगह पर मिले हैं, जैसे कि पश्चिम में काठियावाड़ में मिले हैं और पंजाब के अंबाला ज़िले में, कहाँ जहाँ से जहाँ तक भी खुदाई करते जाएंगे तो इस तरह के अवशेष जो हैं वो प्राप्त होते जा रहे हैं और वो हमें क्या है उस समय की सभ्यता का पता चलता है। यह विश्वास किया जाता है कि सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई है, सिर्फ सिंधु घाटी ही नहीं बल्कि गंगा की घाटी तक भी ये सभ्यता जो है वो फैली हुई है, इतनी दूर दूर तक वहाँ की सभ्यता अभी भी क्या है मौजूद है। इसलिए ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे और भी बहुत अधिक है। सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता ही हम नहीं कह सकते बल्कि और भी कई कई स्थानों पर भी हमें क्या है वो सभ्यता मिलती है, जैसे कि गंगा की घाटी और भी उससे कई बहुत अधिक स्थानों में भी प्राप्त हो सकती है करके नेहरू जी क्या है हमें अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। अब तक हमने जो जाना, इतना लंबा दौरा जो घटा है संघर्षों का, इन सब के बारे में क्या है बहुत ही हमें क्या है इसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। जैसे ही हम इस सिंधु घाटी की सभ्यता जो हम जिस रूप में भी आज हम देख रहे हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमसे क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो आज हम जिस स्थिति में भी देख रहे हैं क्या है वो, उससे भी हमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि वो अत्यंत विकसित सभ्यता थी। और इसको विकसित करने के लिए कितना लंबा समय लिया गया होगा, एक चीज़ को डिसिप्लिन में लाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। तो ये जो सभ्यता आज भी मौजूद है उसको वो बनाए रखने के लिए न जाने कितने कष्ट से ले होंगे झेले होंगे, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हज़ारों वर्ष लगे होंगे। यानी कि इसको डेवलप करने के लिए, इसको विकास में लाने के लिए इस सभ्यता को ना जाने कितने वर्ष, ये क्या 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों वर्ष लगे होंगे उसकी सभ्यता को लाने के लिए। आश्चर्य की बात है कि ये सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इन्हें ये सभ्यता जो है धार्मिक विचारधारा वाली सभ्यता हुआ है, इन्हें सारे धर्म को मानकर चली आ रही है, सिर्फ एक या दो धर्म नहीं बल्कि कई धर्मों से बसा हमारा ये देश भारत जो है धर्म निरपेक्ष देश जो है, इसकी सभ्यता भी सारे धर्म को मानकर चली आ रही है। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। ये भी स्पष्ट है कि ये भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, यानी कि सारे धर्मों को एक साथ लेकर भी ये सभ्यता जो इतनी बनी हुई है कोई मामूली नहीं है। ये भी स्पष्ट है, यानी कि ये भी क्लियर है कि भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों तक की क्या है ये अग्रदूत, इन्हें आगे भी लेकर चलने वाली है सभ्यता है करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। सिंधु घाटी सभ्यता ने किन किन देशों से मिलकर व्यापार शुरू किया? फारस
फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र, यानी आज का इजिप्ट का कहा जाता है मिस्र, इन तीनों के साथ अपना संबंध स्थापित किया और उनके साथ व्यापार मैंने ट्रेड बिजनेस का कारोबार का जो है वो शुरू किया कार्य। कुछ दृष्टियों से ये सभ्यता उनकी तुलना में क्या है बेहतर थी, यानी कुछ हद तक क्या है ये सभ्यता जो है ये व्यापार जो था वो बहुत ही बेहतर था, इम्प्रूव्ड था। ये एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, यानी कि बहुत अच्छा उस टाइम का दौर था उस व्यापार में, और उसकी भूमिका जो भी जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, यानी इतनी मजबूत इतनी स्ट्रॉन्ग उस टाइम का व्यापार था कि सड़कों पर स्ट्रीट्स पर जो है दुकानों की कतार लाइन से जो है कतार में दुकानें थी, और दुकानें संभवतः छोटी ही थी लेकिन व्यापार जो था बहुत ही अच्छा था उस समय का। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अरे उस सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज के युद्ध वर्तमान भारत यानी आज के आधुनिक भारत में हम देखें तो न जाने से कितने दौर बीच में से कितने युग गुजर गए, कितनी डायनेस्टीज रूल किए, इस तरह से हम बहुत ही इनके बारे में क्या है बहुत कम हमें जानकारी प्राप्त है। यदि हम खोज करेंगे तो क्या है और भी ज़्यादा से ज़्यादा है। वैसे भी इस बीच असंख्या परिवर्तन हुए हैं, यानी कि इतना विकसित होने के लिए कम समय तो लगा नहीं है, हजारों वर्ष बीत भी गए हैं और असंख्या परिवर्तन भी इसमें चेंजेस बहुत सारे परिवर्तन भी आए हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। निकल जाने के हम चैन लिंक जो कहते हैं ना, चैन जो कड़ियाँ जो हैं एक में एक मिली रहती हैं स्ट्रेंथ मजबूत बनने के लिए, एक कड़ी में दूसरी कड़ी फिर चैन, जिस तरह से आप देखे हैं वो कड़ी व कड़ी मिलकर जो है कितनी मजबूत हो रहती है, इसी तरह से अंदर ही अंदर क्या है निरंतरता जो है इसी श्रृंखला चली आ रही है जो अभी आधुनिक भारत के क्या है 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग, यानी 6-7 हज़ार पुराने पहले बीते हुए युगों से ये श्रृंखला जो है जोड़ती आ रही है इस सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यानी हजारों सालों से ये श्रृंखला क्या है मजबूती से चली आ रही है और ये सभ्यता जो है आज भी बरकरार है। ये देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यानी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक के पोशाकों के फैशन की भी हमें याद दिलाता है। यानी कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या व्यक्त किया है अपने विचारों में, वो कह रहे हैं कि ये देखकर हमें आज भी क्या है आश्चर्य होता है कि ये दो स्थान जो है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो कितना कुछ ऐसा है इनमें, वहाँ की चलती आ रही वहाँ की परंपरा, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर्स जो हैं, वहाँ के लोगों का रहने का तरीका, रहन सहन, उनके खाने पीने की, बैठने उठने की, उस समय की जो भी यादें हैं, वहाँ के लोक प्रचलित, वहाँ के लोगों की रीति रिवाज, यानी रहन सहन, वहाँ की दस्तकारी ने वो किस तरह से दस्तकारी किया करते थे, यहाँ तक कि उनके पोशाकों की, यहाँ के उनके ड्रेसेस वो कैसे कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, वहाँ का फैशन जो भी है वो सब कुछ क्या है हमें वहाँ की सभ्यता देकर उसकी याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है, यानी कि ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। यानी कि आज का देश हमारा भारत जो है इस भोर बेला में एक आज बच्चा जो रहता है वो ना समझ रहता है, उसमें सुदबुद्ध नहीं होती, यानी कि वो पूरे का पूरा ना समझ होता है। तो वो रहा शैशवावस्था का दौर, अब हमारा भारत जो है उस बच्चे की तरह नहीं है बल्कि एक विकसित रूप में, एक यौवन के रूप में, यानी कि एक विकसित सयाने रूप में, बड़े बच्चे को जैसे ही बड़ा हो जाता है जैसे कि उसमें सारी की सारी सुदबुद्ध, सारी की सारी समझ जैसे आ जाती है, वो चालाक और चतुर बन जाता है, इस तरह का
दिखा, सयाना रूप हमारे भारत में भी क्या है, दिखाई पड़ता है। अब हमारा देश बच्चा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो गया है, पूरी की पूरा समझदार हो गया है, सही गलत की उसमें पहचान आ गई है, अच्छे बुरे की तमीज़ सब चीज़ें आ गई हैं। वह जीवन के तौर तरीक़ों से अब अपरिचित नहीं है, जीवन में कैसे जीना है, कैसे चलना है, आगे प्रगति पाने के लिए क्या कुछ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें क्या हैं, अब वो उन सब चीज़ों से वो अनजान नहीं है बल्कि परिचित हो गया है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक प्रगति कर ली है। इन सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ में जो है हमारा भारत इन कलाओं में और जीवन के इन सुख सुविधाओं में कौन से सुख सुविधाएँ प्राप्त करनी है, इन सब की टेक्नोलॉजी के बारे में भी प्रगति करने के पथ पर अभी क्या है, आगे ही आगे बढ़ रहा है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्ह, यानी कि जैसे कि अच्छे अच्छे हमाम, यानी कि वहाँ के बाथरूम्स जो कहते हैं हमाम, और नालियों के तंत्र का निर्माण भी क्या है, बहुत अच्छी तरह से किया है। अब ऐसे समय में आर्यों का आना, आपने पढ़ा होगा आर्यंस ड्राविडियंस जो है हैं कहाँ कहाँ से आकर देश में बसे, और उनकी वो सभ्यता यानी उनकी संस्कृति, इसी में वो ढले कैसे गए, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारे विचार अभी हमें पंडित नेहरू जी के द्वारा बता दिए जा रहे हैं। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, आर्यंस अभी क्या है एक एक करके सारे के सारे वो भारत में आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आर्यों का आना, आर्यों का आना अभी देश में कौन कदम रखे हैं, आर्यंस, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें क्या है आज भी पता नहीं है। ये संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, लेकिन हम ये संभावना कर सकते हैं कि उनकी संस्कृति जो है वो हमारे ही इसी देश की है। उसकी जड़ें और शाखाएं जो हैं, यानी कि इस आर्यंस की जड़ें, उनकी शाखाएं, उनकी जड़ रूट्स और उनकी ब्रांचेस जो वो फैले हुए हैं, यानी कि दक्षिण की ओर तक भी वो फैले हुए हैं, तो दक्षिण भारत में भी हमें मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्राविड जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है, यानी कि दक्षिण में कौन है, दक्षिण में बसे हुए लोग द्राविड, जिसे आप सोशल में पढ़ रहे हो, और इन दोनों में क्या है, कुछ विद्वानों को यानी कुछ स्कॉलर्स को इन लोगों में, इन दोनों आर्यों में भी और द्राविडियंस में क्या है, कुछ समानता दिखाई देती है। यदि प्राचीन समय में यानी पुराने समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हज़ार वर्ष पहले घटी होगी। यदि ये लोग कहीं से भी आए होंगे, ये आर्यन जो हैं देश में हमारे जो कदम रखे हैं, ये जहाँ से भी आए होंगे, लेकिन संभावना है कि वो किससे पहले आए थे, कि मोहनजोदड़ो के समय से पहले, मोहनजोदड़ो का समय जो है उससे पहले ये लोग आकर बस गए होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं, तो इस तरह का व्यवहार देखें तो ऐसा हमें समझ में आता है कि वो लोग हमारे देश के ही निवासी हैं करके पंडित नेहरू हमें क्या है बता रहे हैं। सिंधु घाटी की ये सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया होगा। अभी क्या है, हमें उसकी कुछ ठोस चीज़ें नहीं मिलने के कारण सिर्फ कल्पना या संभावना की जा सकती है कि वो कहाँ चले गए, कैसे वो हजम हो गए, किस तरह से उनकी सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसका अंत, यानी कि सिंधु घाटी का अंत कैसे हुआ होगा, यानी किन किन कारणों से किया होगा। हम देखते हैं ना कि तूफान जब आता है तो एक स्थान की मिट्टी को, धूल को, यानी कि हम देखते हैं सैंड स्टॉर्म जो कि बालू उसमें उड़ी जाती है, तो वो उड़कर किसी एक स्थान पे पड़कर फिर वहाँ पर क्या हो जाता है,
वहाँ पर एक पर्वत सा बन जाता है। इस तरह से घटनाएं बहुत सारी घटकर भी क्या है, कई प्रदेश इस तरह से घट गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका अंत यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत अकस्मात ही नहीं हुआ है, यानी अचानक नहीं हुआ है, किसी इंसिडेंट से हुआ होगा, जैसे कि दुर्घटना से हो गया, जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती, हमें कोई उसका प्रूफ नहीं मिल रहा है कि वो कैसे हजम हुई। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु नदी जो है, इसमें जब प्रवाह आ जाता है, प्रलय जब आ जाता है, तो सब पूरे गांव का गांव बहा कर क्या हुए वो ले जाता है, तो इस कारण उसका नाश हुआ होगा। भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध जो है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है, इस कारण से क्या सभ्यता सिंधु घाटी की घटी होगी। या ये भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से, जो कि हम इन क्लाइमेट्स में जो कि चेंजेस देखते हैं, धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो, इन्हें खेती बाड़ी जो कि उपजाऊ भूमि थी वहाँ पर अब बंजर बन गई है वो, और वहाँ पर रेगिस्तान छा गया हो, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया हो। यानी कि कई कई लोगों के कई कई किस तरह के उनकी विचारधाराएं हैं, वो कैसे हैं बोल के पंडित नेहरू द्वारा हमें समझाया जा रहा है। मोहनजोदड़ो के खंडहर, यानी कि वहाँ के टूटी फूटी इमारतें जो हैं, वहाँ के मॉन्यूमेंट जो टूट गई हैं, फूट गई हैं, अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई। यानी वो खंडहर कहाँ चले गए, बालू की तह पर तह, लेयर पे लेयर, सैंड का जो है एक लेयर बिछ गया, फिर उसके ऊपर दूसरा बिछ गया, यानी कि हज़ारों वर्ष चली आ रही है, एक या दो दिन का नहीं, 100-200 वर्ष का नहीं, बल्कि हज़ारों वर्ष से ये सिलसिला जो चलता आया है। एक ज़माना था वहाँ की सभ्यता का जो प्रसिद्ध थी, आज कहीं वो खो गई है। तो किस कारण खो गई है, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई, यानी कि बालू की तह पे तह आकर जमकर वहाँ पर शहर की ज़मीन की लेयर जो है वो ऊंचा चढ़ गया हो। अभी हम देखते हैं ना कि रोड्स किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो घर ऊपर थे धरती पर अब वो नीचे दबे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्या है वो ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। यानी कि लोगों को मजबूरी में आकर क्या करना पड़ा, उनकी नींवें, उनके फाउंडेशन जो हैं वो, और भी उनके पुराने फाउंडेशन जो थे वो उस तरह से वहाँ से तोड़ कर ऊंची ज़मीन पर उन्हें बनाने पड़े होंगे उनके मकान। खुदाई में निकले कुछ मकान, यानी जब खुदवाई करती गई, अभी आधुनिक समय में एक्सकवेशंस जो चलता है, हम खुदाई करते हुए क्या देखते हैं, बहुत सारे वहाँ पर उस समय उस स्थान में वहाँ का ख़जाना मिल रहा है, नीचे से मंदिरें, मस्जिदें, ये जो भी मॉन्यूमेंट जो भी हैं, पुराने मकान, इस तरह के क्या हैं वो खुदाई करते समय निकल आते हैं बाहर, जो कि एक ज़माने में जो है, एक दौर में जो है वो किसी घटना के कारण अंदर दबे हुए हैं। वे इस बात का सबूत हैं, यानी कि खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिलें जान पड़ते थे। यानी हम अभी उनकी खुदाई करते हुए क्या देखते हैं कि वो मकान जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है उस तरह की निकल रही हैं, वही क्या है इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर क्या है, यानी कि लेयर्स, स्ट्रीट के लेयर्स जो ऊपर ही ऊपर उठते गए, इस कारण क्या हो गए, उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। यानी कि हम जानते हैं कि उस समय सिंध का सूबा जो है वहाँ पर बहुत ही, जहाँ की ज़मीन में उपजाऊ थी, बहुत ही वहाँ पर भी जो भी बोने से क्या है वहाँ पर अच्छी सी खेती होती थी। पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर क्या हो गया, डेसर्ट बन गया, उपजाऊ धरती भी अभी क्या है, रेगिस्तान बन गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें यहाँ पर और भी ये भी अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं कि इसलिए ये मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों, यानी जहाँ जहाँ जिस इलाके में जो जो निवासी रहा करते थे, और उनके रहन सहन की पद्धति, यानी उनके रहने का तौर तरीका, उठने बैठने का, उनकी पद्धति को भी क्या है वो प्रभावित किया हुआ होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव
दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। न जाने क्या क्या विचारधाराएं मन में आ रही हैं, जो भी हम उस सबूत को देखते हैं तो सिर्फ कल्पना मात्र रह जाती है कि किस कारण ये सब कुछ बदल गया होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं, लेकिन ये सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सिंधु घाटी की ये सभ्यता जो है सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं, बल्कि दूर दूर तक भी, यानी कि गंगा घाटी तक भी संभवतः या उससे आगे भी फैली हुई थी। जो कि इतनी बड़ी ये सभ्यता, इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। इन सब का प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, हम इन सब की और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या है, हमारे पास कोई भी प्रूफ या एविडेंस नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। इन्हें एक दौर में, जैसे कि ये बालू, ये सैंडस्टॉर्म जो आता है उसके कारण उसके नीचे जो चीज़ें ढक गई थी, यानी कि उससे ये भी बोल रहे हैं नेहरू जी कि उस समय वो ढक कर क्या है, वो सुरक्षित रखी होंगी, जो कि आज हमें वो मिल रही हैं, तो उनसे उस समय का पता चलता है। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे, यानी कि यहाँ पर सिंधु घाटी की जो है, यहाँ पर हमें ये कुछ शहरों में हमें ऐसे चीज़ें अवशेष हमें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ स्थानों में, कुछ और शहरों में या प्राचीन सभ्यता के प्रमाण जो है हमें कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, जो कि धीरे धीरे सब नष्ट होते चले गए हैं और समय के साथ वो खंड खंड भी हो गए। समय के साथ साथ भी वो खंड जो है वो कहीं पूरी की पूरी तरह से खो गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ की सभ्यता और बाद का काल, उसके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का समय, उसके बाद के काल भी जो है उसके खंडों के बीच में निरंतर संबंध के साथ ही क्या है, इस सिलसिले को, यानी इस दौर के टूटने के, कि इसमें अंतराल के प्रमाण भी हमें मिल सकते हैं कि किस तरह से वो गायब हो गए हैं, खो गए हैं करके। ये टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो भी काल गुजरा हुआ हो वो क्या है, भिन्न प्रकार की थी रही होगी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो के नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। इसमें क्या है, बहुत सारे कृषि फार्मर्स का, कृषि का बहुत सारे कृषि लोग थे वो के, और भी उनका जीवन जो है वो शहरी जीवन था। खेतिहार पक्ष पर जोर शायद उन नवागुंतकों ने दिया होगा, यानी कि जो नए नए नवागुंतक किसे कहते हैं, नए अतिथि को जो कि आया हुआ हो, वो खेतिहार पक्ष में जोर ज़्यादा दिया होगा, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो थे कृषि थे, जो आर्य थे, और वो भी जो थे जो कृषक, जो कृषि लोग जो आए थे, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद का समय जो भी एक कृषि आए हैं, शायद इसी के कारण उन्होंने खेतिहार पक्ष पर जोर दिया। और इन्हीं नवागंतुकों में से जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आते गए, वो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के दौर में ये लोग आते गए और बहुतायत भी क्या है, आर्य थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यानी आर्य हमारे देश में, भारत में कब आए, आर्यों का आना देश में हमारे कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद। यानी संभवतः आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद, सिंधु घाटी युग के 1000 बाद, 1000 वर्ष बाद में
आर्य का हमारे देश में भारत में आना हुआ। ये भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो, या ये भी हो सकता है कि इतना लंबा समय का अंतर भी ना हो, बल्कि 1000 वर्ष पहले ही जल्दी ही भी आए होंगे। ऐसी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं पंडित नेहरू द्वारा, हमें ये बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली इसका कुछ भी अता पता नहीं मिलता है। इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से, यानी कि पश्चिम उत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जज्ब होती रही हो, यानी कि ये भी हो सकता है कि उससे पहले ही 1000 वर्ष पहले ही क्या है, ये कबीले, यानी कबीले किसे कहते हैं, कुछ कुल यानी उनके वंश, यानी कि व्यक्ति विशेष का नेता या सरदार मानने वाला समूह हो, यानी कि कबीले ये जंगली आदमियों का व्यक्ति विशेष के नेता या सरदार मानने वाला ये समूह, यानी कि इनका ये कुल, ये कबीले, ये कुल, इनकी जातियाँ जो हैं वो एक एक करके आती गई भारत में और यहीं पर वो जज्ब होती रही, मतलब यहीं पर वो घुल मिल कर रह गई, इन्हीं में वो मिलजुल कर रहने लग गए। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्राविड जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के ही प्रतिनिधि थे। यानी ये लोग जो आए थे वो क्या पता चलता है कि वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के ही प्रतिनिधि हैं। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। तो इसी कारण भारत में इन लोगों का भी, आर्यों की भी क्या है, भारतीय संस्कृति का हमारे विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद में युगों में और बहुत सी जातियाँ आई, उसके बाद के युगों में, यानी बाद के दौर जो के रूल्स होते गए, डायनेस्टीज बहुत सारी रूल करते गए, तो बहुत से वहाँ पर जातियाँ, नई नई जातियाँ आने लगी, सब ने अपना यहीं पर प्रभाव डाला और क्या हो गया, फिर यहीं वो घुल मिल कर रहने लग गए। तो ये रहा सिंधु घाटी की सभ्यता का ब्यौरा, जो पंडित नेहरू द्वारा उनके विचारों से हमें पता चलता है। अभी देखते हैं प्राचीनतम। तो ये प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ क्या है बच्चों, हम अगली कक्षा में देखेंगे। आशा करती हूँ यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आप भी पाठ पुस्तक पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ही क्या है, हिंदी रूपांतर है। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।